हाउ टू एड बैंक अकाउंट्स इन GST पोर्टल। यदि आपने GST रजिस्ट्रेशन किया है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको तुरंत ही 4 या 10 दिन के अंदर ही आपको बैंक अकाउंट्स को ऐड करना होता है। यदि आप बैंक अकाउंट्स को ऐड नहीं कीजिएगा तो आपका GST नंबर जो है कैंसिल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, काइंडली अपडेट योर बैंक अकाउंट्स डिटेल्स विद इन 27 डेज। GST रजिस्ट्रेशन में भी कैंसिल इफ द सच डिटेल्स आर नॉट अपडेटेड विद इन द टाइम लाइन। यदि आप सही टाइम पे बैंक अकाउंट्स को ऐड नहीं करिएगा तो आपका GST कैंसिल हो सकता है। बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको यहाँ गूगल पे आ जाना है, यहाँ पे GST टाइप कर लेना है, इस वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। आप अपना GST पोर्टल को लॉगिन कर लीजिए, यूजर पासवर्ड कैसे डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे कि GST पोर्टल लॉगिन हो चुका है, आपके सामने ये मैसेज आ रहा होगा कि आपने नया GST रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे आना होगा, सर्विस पे क्लिक करना है, देन आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ आपको क्लिक करना है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड्स पे क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट्स है ना, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको 1 लिखना है, टोटल नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स, और आपको उसके बाद यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर आपने एंटर कर लेना है बैंक का, टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा है, सेविंग है या करेंट है, और IFSC कोड डाल के आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में आपको फर्स्ट पेज जो बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट या कैंसिल चेक या कुछ भी दे सकते हैं, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करके आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसा कि अपलोड यहाँ पे हो चुका है, उसके बाद आपको यहाँ सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड हो चुका है, जैसा कि अकाउंट यहाँ पे सेव हो चुका है बैंक अकाउंट। अब आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन पे क्लिक करके आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे ऑथराइज प्रोप्राइटरशिप प्लस में डेट, नेम ऑफ ऑथराइज, लोकेशन, डेट, ये सारा चीज़ इंटर कर लेने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट विथ EBC पे क्लिक कर लेना है। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे OTP गया होगा, उस OTP को डाल के आपको यहाँ पे वैलिडेट OTP पे क्लिक कर देना है। ये सक्सेस हो चुका है। इस प्रकार आपको बैंक अकाउंट को ऐड करना है GST पोर्टल पर। थैंक यू सो मच।